हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो लेट्स स्टार्ट अवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर टू सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू फॉर दिस सो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फॉर श्योर ये अपनी रेंज में नहीं है अगर अपनी रेंज में होता तो हम इसे डायरेक्टली लिखते थे राइट सो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेंज में बनाएंगे जैसे हम क्लास एलेवेंथ स्टैंडर्ड में इसको बनाते थे राइट सो यहाँ पर एल लेंगे हम लाइक दिस यहाँ पे हमारा एल सी एम आएगा टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स राइट सो दैट मीन्स सिक्स टू ज ट्वेल्व पाए ट्वेल्व पाए प्लस पाई दैट इज थर्टीन पाई बाय सिक्स सो यहाँ पे वही मतलब है इसका हमने जो इसको इस तरह से लिख दिया है राइट सो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है सो कॉस थ्री सिक्सटी डिग्री है राइट टू पाई का मतलब कितना होता है थ्री सिक्सटी प्लस माइनस थीटा कोई भी हो रही हो वैल्यू तो आपके पास कॉस में ही आएगा बिकॉज 360 और 180 डिग्री में नो चेंज एंगल आपका वही आता है और साथ में ये थीटा की वैल्यू आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ सो साइन का ध्यान आपको देना होता है अब यहाँ पे देखो 360 में ऐड हो रहा है कुछ सो थ्री सिक्सटी कहाँ पर आपका ये ज़ीरो है राइट right? यहाँ से स्टार्ट हुआ ये नाइन्टी है ये वन है ये टू है यहाँ पे ये थ्री सिक्सटी है अगेन यहाँ पे क्या है ये जीरो पे, राइट सो थ्री सिक्सटी यहाँ पर पहुँच चुके हैं थ्री सिक्सटी में कुछ ऐड करोगे वापस आप कहाँ पहुँच जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सो जब यहाँ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या हैं आपके पॉजिटिव हैं सो so यहाँ पे डेफिनेटली कॉस थीटा जो आपकी वैल्यू आएगी फाइव बाई सिक्स ही लिखी जाएगी पॉजिटिव वे में माइनस फाइव सिक्स नहीं आएगी ठीक है सो एज नाउ दिस इज थर्टी डिग्री एंड दिस इज इन द रेंज फ्रॉम जीरो टू टू पाए जो कि कॉस्ट की मैंने आपको बताई थी रेंज राइट कॉस्ट इन्वर्स के लिए सो so, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा राइट सो आपके पास फाइनल आंसर आ गया है फाइव बाई सिक्स नो लेट सी क्वेश्चन नंबर टू सो so, इसमें भी आपको वही करना है एल लेंगे सो so यहाँ पे सिक्स पाए प्लस पाए डिवाइड बाय सिक्स अभी भी इसका मतलब क्या है सेवन पाए बाय सिक्स राइट अब बोथ साइड्स को आप सिक्स से डिवाइड कर दें क्योंकि ये सिक्स दोनों के नीचे है राइट सो यहाँ पे पाए बचेगा और यहाँ पे पाए बाय सिक्स अभी भी दोबारा से आप एल लेंगे तो आपके पास सेवन पाए बाय सिक्स ही आपके पास वैल्यू आएगी अब यहाँ पे वन एटी है टेन का टेन ही रहेगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय सिक्स और आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी क्यों क्योंकि 180 में ऐड हो रहा है कुछ तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू होती है पॉजिटिव सो फाइनल आंसर आपका क्या आया है पाई बाय सिक्स नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री टू साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव किसकी इक्वल लेकर आनी है वैल्यू टैन इनवर्स ट्वेंटी फोर बाय सेवन सो एज यू ऑल नो टू टैन इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है और आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में आंसर भी टैन में ही चाहिए तो हम क्यों ना इसको पहले टैन में कन्वर्ट कर लें बिकॉज ऑल्सो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ टैन इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए वन माइनस ए का स्क्वेयर सो so ये है आपका फॉर्मूला हम जो अप्लाई करेंगे आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस साइन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे टेन में और वो मैंने आपको बताया बहुत ईजीली हमने साइन इनवर्स को थ्री बाई फाइव को लेट कर लिया है ए के इक्वल ठीक है अब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन में आ जाएगी वैल्यू राइट साइन ए हो जाएगा सो so, यहाँ पे इसका मतलब है प्रिपेंडिकुलर इसका मतलब है हाईपोटेनियस सो यहाँ से आपका ए एंगल से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रिपेंडिकुलर आपके पास ये वैल्यू है हाईपोटेनियस ने हाईपोर्टिनियस आपके पास फाइव है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप बेस निकाल लेंगे दैट इज़ फोर फोर वैल्यू आपकी आएगी बेस की अब यहाँ से tan A की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं दैट इज़ p बाय बी जो कि है थ्री बाय फोर सो यहाँ से A की वैल्यू tan इनवर्स की फॉर्म में आ चुकी है दैट इज़ tan इनवर्स थ्री बाय फोर सो जो आपने लेट किया था A, वो अब किस में टेन में कन्वर्ट हो चुका है सो so, वापस से आप देखोगे सो so, टू tan इनवर्स थ्री बाय फोर आपके पास क्या है अब लेफ्ट हैंड साइड में है सो so, अब टू टैन इनवर्स ए की फॉर्म में आपके पास आ चुका है राइट right? जिसको आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट ये टैन इनवर्स टू इंटू थ्री बाय फोर वन माइनस थ्री बाय फोर का स्क्वेयर सो इसको सॉल्व करोगे यू डेफिनेटली गेट टैन इनवर्स ट्वेंटी फोर बाय सेवन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर वो क्वेश्चन नंबर थ्री आई होप दिस इज़ क्लियर नो लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन इनवर्स में आपके पास टर्म्स हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको आंसर किस में चाहिए टैन में राइट right? सो so, सबसे पहले हम वही एंगल की हेल्प से हम उसको टैन में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंगली इसको अगर हमने ए लेट एंगल कर लिया इसके लिए हमने बी एंगल लेट कर लिया सो so, यहाँ पे ये पी है और ये एच है सो हाइपोटिनियस सेवनटीन है प्रिपेंडिकुलर एट है थ्योरम की हेल्प से आप बेस निकाल लेंगे राइट सेम हेयर अगर आपके पास प्रिपेंडिकुलर यहाँ पे थ्री है हाईपोटीनियस फाइव है बेस आपका आएगा फोर और यहाँ पे आपका बेस आएगा फिफ्टीन राइट सो अब यहाँ से टैन इन्वर्स प्रिपेंडिकुलर आएगा ऊपर दैट इज एट बेस आ जाएगा नीचे प्लस टैन इन्वर्स प्रिपेंडिकुलर आएगा ऊपर बेस आएगा नीचे सो so, यहाँ पे एंगल जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी से इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है क्योंकि मुझे अच्छे से टिप्स पे पता चल चुका है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं आप रफली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप नोटबुक में क्लियर शो भी कर सकते हैं अपने टीचर को राइट सो यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड मेरी किस फॉर्म में बन चुकी है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी की फॉर्म में जिसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए इंटू बी सो so, इसको आप सॉल्व करेंगे यू डेफिनेटली गेट tan इनवर्स सेवेंटी सेवन बाय थर्टी सिक्स सो आई वॉन्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन बहुत ईजी है सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल